प्रीवियस क्लास में होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ हमने रूल्स, वर्किंग रूल्स और होमोजीनियस क्या है इस पर हमने डिस्कस किया था। तो उसी रूल्स पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम आज इस क्लास में डिस्कस करना है और उसके सॉल्यूशन भी इस तरह से होंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाला प्रॉब्लम जो है वह प्रॉब्लम जो फर्स्ट में सॉल्व द पीडी डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स एंड डेल वाई प्लस टू इंटू डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर और इक्वस टू एक्स प्लस वाई। अब इसके सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन यह गिवन पीडी कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस थ्री डी इंटू डी प्राइम प्लस टू डी प्राइम का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई वेयर डी वाई डी एक्स इज डी एंड डी वाई इज डी प्राइम। तो यह इक्वेशन एक होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है और इसके जो रूल्स प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुआ है उसी रूल्स पर डिपेंड इसका सॉल्यूशन भी होगा। तो द एक्जुअलियरी इक्वेशन इज वेयर डी इज एम एंड d dash is 1 and f of xy is 0, that is m square plus 3 into m into 1 plus 2 d 1 ka square is 1 ka square, that is 0 and its factorize is m square plus 2m plus m plus 2 is 0, then m plus 1 into m plus 2 its factor factor, then value of m is minus 1 and minus 2। तो इस तरह से इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने एक्जुअलरी के जो रूट्स हैं m का वैल्यू माइनस वन माइनस टू हमने फाइंड कर लिया। अब इसके cf फाइंड करना है, तो cf इज f1 y प्लस माइनस ये x and f2 is y minus 2x, इसके complementary function is defined as the अब इस function में
पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई फाइंड करना है, तब कंप्लीट सॉल्यूशन हमें फाइंड होगा। और इस कंप्लीट सॉल्यूशन में फाइंड के लिए जब किसी तरह से जब पी आई यानी वन अपॉन फाई ऑफ डी एन डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म दैट इज पी डेफिनेशन ऑफ पी आई होता है, और इस फॉर्म में आप देखेंगे क्या, तो वन अपन ये डी स्क्वायर प्लस थ्री डी इंटू डी प्राइम प्लस टू डी प्राइम का स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इज एक्स प्लस वाई। अब इस सॉल्यूशन में देखिए, एट फर्स्ट हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन को ऑपरेटर के फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद इसके एंजुलरी इक्वेशन को फाइंड में के रूट्स जो फाइंड किया है माइनस वन माइनस टू, तो इसके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें फाइंड हो गया। अब इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो डिफिनेशन के टाइप फॉर्म होता है उसी फॉर्म पर हमने जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसका जो है कैलकुलेशन इस तरह से, देयरफॉर इट इज पी आई इज वन अपॉन एम प्लस वन दैट इज डी प्लस डी डैश और इंटू डी प्लस टू डी डैश। जब इसका फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस वाई होगा। अब इस केस में इसको एक पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप में इसको ब्रेक करके आप इस तरह से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह x प्लस वाई जो है ये किसी फंक्शन यानी कि x और y के जो फंक्शन होते हैं तब उसको हम एक बायनोमियल एक्सपेंशन के टाइप में लाने के लिए इसे हम तो जब फ्रैक्शन d और 2y d प्लस टू डी माइनस वन अपन डी प्लस डी डैश के फॉर्म में इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप में इसको डाइवर्ट करते हैं। अब इस फॉर्म को देखिए, और इस फॉर्म में जब एक्सपेंशन बायनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो उससे पहले वन इसको वन अपॉन टू डी बाय डी डैश बाय डी और माइनस वन अपॉन डी कॉमन लिया गया वन प्लस डी डी डैश बाय डी और होल प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई। इन दैट केस वी हैव टू वन अपॉन ये इस तरह से डी स्क्वायर इंटू टू टू वन माइनस एक मिनट टू इंटू वन माइनस टू डी डैश बाय डी टू द पावर माइनस वन एंड माइनस वन अपन डी स्क्वायर वन प्लस डी डैश बाय डी इनवर्स और दैट इज एक्स प्लस वाई।
in that case 2 upon d square और इसका expansion 1 plus होगा यहाँ plus minus 2 d dash by d plus so on, क्योंकि x plus y है x, इसीलिए दो ही टर्म इसके लिए सफिशिएंट हो जाती है। अब सेकेंड टर्म्स d स्क्वायर 1 माइनस d डैश बाय d सो ऑन एंड x प्लस y, इन दैट केस d स्क्वायर x प्लस y को जब कंबाइन करेंगे तो x प्लस y माइनस 2 d डैश बाय d इंटू x प्लस y, x प्लस y और so on and minus 1 upon d square x plus y minus d by d dash by d x plus y and so on. Now d square by x x plus y and d dash of x plus y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो दैट इज 2 by d एंड 0 plus 1 एंड प्लस सो ऑन माइनस 1 upon d square x plus y minus d dash yani 1 upon d x plus 0 plus 1 so on, then 2 by d square x plus y minus 2 into 2 is 4 d cube 1 plus so on minus 1 upon d square x plus y minus d cube 1. अब चूंकि d square के टर्म में यह डिनोमिनेटर में है तो x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन, तो ये x क्यूब x स्क्वायर यानी इस तरह से x स्क्वायर बाय 2 प्लस y x एंड 4 x एंड x स्क्वायर and x cube, so that is x square by 2 and x cube by 6 plus so on minus, similarly we have 1 upon d x square by 2 plus y x and d cube is minus 4 x cube by 6 so on. Now by calculation and 2 by x square by 2 integration x cube by 6 and 2 into x square by 2 minus 2 by 3 x cube plus so on minus x cube by 6 plus y x square by 2
माइनस टू बाय थ्री एक्स क्यूब। अब इसे कैलकुलेशन calculate here and we obtain the pi is x square y upon 2 and x cube by 3 minus x cube by 6 we have to obtain, and that is the form of x cube x square by 2, and calculate here, that is the 2 and 1 by 3 x cube by 3. That case will be minus minus, and that is positive. By calculation and complete solution is CF plus PI and F1 y minus x plus f2 y minus 2x plus x square y by 2 minus x cube by 3. It is a required solution. तो इस तरह से ये first rule पर एक example सॉल्व हुआ, और इसमें सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट किया, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के आफ्टर हमने दोनों का ऐड करके इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड किया। सेकंड एग्जांपल solve del square z upon del x square minus 4 del square z upon del x into del y plus 4 into del square z upon del y square and e to the power 2x plus y. Solution given PD can be written as d square minus 4d into d dash plus 4 into d dash ka square is equals to 2x plus y, where d is del y del x and d dash is del y del y. The auxiliary equation is m square minus 4 m plus 4 is 0. By factorize we have to m minus 2 square is 0, then value of m is 2 in 2 and 2. The complementary function CF is here, the roots of auxiliary equation is equal, then the complementary function is f1 is
y plus 2x plus x into f of f2 is y plus 2x. जब इक्वल रूट्स कमिंग देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज एफ वन वाई प्लस टू एक्स एंड प्लस एक्स एफ टू वाई प्लस टू एक्स के इक्वल हो जाते हैं. नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल इज Particular integral is 1 upon phi of d and d dash f of x y. That is the definition of particular integral. And we have to given PD is 1 upon d square minus 4 d and d prime plus 4 d dash prime f. D prime ka square into e to the power 2x plus y. चूंकि exponential form है, इस exponential form में x के coefficient और y के coefficient d के replace में x के coefficient और d प्राइम के रिप्लेस में y के कोफिशियंट को सब्स्टिट्यूट करने पर वी हैव टू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर एंड e टू द पावर 2x प्लस y. दैट इज 4 माइनस 8 प्लस 4 एंड e टू द पावर 2x प्लस y. और ये डिनोमिनेटर फॉर्म इज जीरो. देन रूल्स इज फेल. रूल्स इज हेयर. रूल्स हेयर. रूल्स रूल इज फेल. देन ये सिक्स्थ रूल से आप इसको फिर से वन अपन x से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर फॉर्म को d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो d स्क्वायर माइनस 4d इनटू d डैश प्लस 4d d डैश का स्क्वायर e टू द पावर 2x प्लस y. इन दैट केस वी हैव टू ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएशन 2d माइनस 4d डैश. चूंकि ये कांस्टेंट x के रिस्पेक्ट में होगा यानी d के रिस्पेक्ट में दैट इज कांस्टेंट एंड इट्स डिफरेंशिएशन इज 0 प्लस 0 e टू द पावर 2x प्लस y. नाउ बाय द रूल x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को जब सब्स्टिट्यूट किया जाए तो देन x 2 into 2 minus 4 into 1 and e to the power 2x plus y. It is x by 0 and e to the power 2x plus y. Again, rule यहां पर fail हो जाती है. Rule is fail. Now, again, the previous procedure applicable. Now pi is 1 upon ye x into x by del by del d into 2d minus 4d dash. E to the power 2x plus y. Then pi is x square
by differentiation of 2D with respect to D is 2 and it is 0. It is 0 to D dash, then e to the power 2x plus y, it is x square by 2x plus y. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स का वैल्यू x स्क्वायर बाय 2 e टू द पावर 2x प्लस y देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज cf प्लस pi एंड cf इज f1 y प्लस 2x प्लस x f2 y plus 2x plus pi x square plus 2 into e to the power 2x. That's all. That is the solution of required PDE solutions. ये इस तरह से pi को हमने form में लिख करके जब x के कोफिशियंट और y के कोफिशियंट को d और d डैश के रिप्लेस में जब सब्स्टिट्यूट किया तो वह जीरो डिनोमिनेटर फॉर्म इज जीरो हो जाती है, तो यहाँ पर रूल फेल हो जाती है। इस तरह से ये जो रूल फेल की बात होती है यह तब तक अप्लीकेबल होता है जब तक कि डिनोमिनेटर में कोई ना कोई ऐसा एक न्यूमेरिकल वैल्यू ना आ जाए और उस नेचुरल वैल्यू ना आ जाए या कोई भी फंक्शन ना आ जाए तो इसकी क्रिया को हम रिपीट करते जाएंगे, तब कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होगा। अब थर्ड एग्जांपल थर्ड एग्जाम्पल सोल्व द डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स इंटू डेल वाई, इट इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस टू वाई। Now its solution is given PDE can be written as d square minus d into d dash equals to sin x and cos 2y, where d is del y del x and d dash is del y del y. The auxiliary equation is m square minus m is 0, then m will be common, m minus 1 is 0 and its m value of m is 0 and 1. Now complementary function cf is f1 y plus 0 plus f2 y plus x. अब पर्टिकुलर इंटीग्रल्स is 1 upon phi of d and d dash, that is the definition of
particular integration, and we have to 1 upon d square minus d and d dash and sine x or cos 2y. Sin x cos 2y, it is a trigonometrical function, and the formula of trigonometrical functions will be 2 sin a into cos b is equals to sin a plus b minus sin a minus b. A is x and b is 2y. Then 1 by 2 I into d square minus d and d dash into 2 sin x into cos 2y. It is 1 by 2 and 1 upon d dash square minus d and d dash, that is on the trigonometrical formula sin x plus 2y minus sin x plus hoga ya plus sin plus hoga aur sin plus par ye plus hai. And sin x minus 2y, that is the trigonometrical form of the given expressions, and we have to 1 by 2 into 1 upon d square minus d and d dash sin x plus 2y, isko breaking kar rahe hain, और माइनस 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस प्लस d एंड d डैश इज sin x माइनस 2y. नाउ कैलकुलेट हियर x का वैल्यू x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट वी हैव टू 1 अपॉन 2 and d square is minus 1. जब sin और cos के फॉर्म में कोई भी पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म रहता हो तो d square is minus 1, x के कोफिशिएंट minus 1 और d dash का स्क्वायर इज minus here minus 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर and d dash is minus 1 into 2. Therefore, 1 upon minus 1 minus 1 into 2, it is sin x plus 2y plus 1 upon minus 1 ka square, minus 1 ka square plus minus 1 into 2 and sin x minus 2y. It is 1 upon 2 and 1 minus plus, it is 1, and sin x plus 2y, that is plus 1 upon minus 3 and sin x minus 2y. In that case, we have to pi is 1 by 2 sin x plus 2y minus 1 upon 6 sin x minus 2y. Then complete solution is cf plus pi, and it is cf is f1 y plus f2
y plus x or plus 1 by 2 sin x plus 2y minus 1 by 6 sin x minus 2y. That is the required solution.